Hello students, good morning. Today we are going to discuss chapter number 1, business, trade and commerce, and the topic is objectives of business. Students, हर business को run करने के पीछे उसका कोई ना कोई objective होता है. तो आज उन्हीं objectives पे हम चर्चा करेंगे. So let we discuss. Students, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो वी कैन से देर आर थ्री कैटेगरी या थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. सो लेट वी स्टार्ट. व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. It refer to those objectives which are related to betterment of business organization. यानी वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए करते हैं, सोचते हैं और अचीव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में, अपने वेलफेयर के बारे में जब सोच रही होती है तो वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. देयर कैन बी फॉलोइंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में काउंट होते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक में जो काउंट होता है प्रॉफिट अर्निंग. हर बिजनेस ये चाहता है कि उसके पास प्रॉफिट हो, क्योंकि बिना प्रॉफिट के एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना इम्पॉसिबल है. प्रॉफिट इज ब्लड फॉर बिजनेस. जैसे कि इंसान के शरीर में ब्लड की उतनी आवश्यकता होती है कि वो ज़िंदगी अपनी कैसे जिएगा, बिना ब्लड के वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता, उसी प्रकार प्रॉफिट के बिना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना पॉसिबल नहीं है. तो इंसान सर्वाइव करता है किससे, ब्लड से, और बिजनेस सर्वाइव किससे करता है, प्रॉफिट से. तो प्रॉफिट अर्निंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिना प्रॉफिट के एक बिजनेस को कंटिन्यू करना, एक बिजनेस को रन करना पॉसिबल नहीं है. और दूसरा पॉइंट, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका बिजनेस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाए, उसका बिजनेस एक लिमिटेड एरिया में हो. वो ये चाहेगा कि उसका बिजनेस मल्टीनेशनल बिजनेस हो, उसका बिजनेस बहुत सारे ब्रांचेज हों, उसके बिजनेस की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हों. तो वो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी देखता है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखता है, और ग्रोथ तभी पॉसिबल होती है जब उसके पास रेगुलर प्रॉफिट होते हैं.
तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, क्योंकि सबसे पहले एक बिजनेसमैन सर्वाइवल की बात करता है, फिर जैसे जैसे उसके पास प्रॉफिट आते हैं वो उसको री इन्वेस्ट करता है, और री इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, नंबर ऑफ़ ब्रांचेज बढ़ाएगा, नंबर ऑफ़ कंपनीज बढ़ाएगा, तो उससे उसके ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी बेटे, हाई हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है something should be new on regular basis। एक बिजनेसमैन अगर उसे लॉन्ग टाइम तक अपने आप को रन करवाना है तो उसे नई नई चीज़ें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा उसे यूज करनी होगी, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू आइडियाज़ उसे डेवलप करने होंगे ताकि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक एक बड़े लेवल पे रन कर सके। इनोवेशंस आर सो एसेंशियल फॉर बिजनेस। उसे कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसीज में, प्रोडक्शन मेथड्स में कुछ ना कुछ नया करना होगा, तब जाके उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन हो पाएगा, तो इसे हम बोलते हैं इनोवेशंस। नंबर 3, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि बिजनेस को कंपटीटर से कैसे फेस करना है, फेसिंग कंपटीशन इन मार्केट। एक बिजनेस अगर इजीली कंपटीशन को फेस करता है तो इजीली वो मार्केट में स्टैंड कर पाएगा। तो एक बिजनेस केवल सिंगल यूनिट बिजनेस नहीं होता, उस मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, और उनका सभी का पर्पज़ होता है कि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक एक अच्छे लेवल पे ले जाके रन करें। तो देर इज ए लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, सो फेसिंग कंपटीशन इन द मार्केट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और कंपटीशन को फेस करने के लिए एक बिजनेसमैन को अपनी ब्रांड बिल्डिंग डेवलप्ड करनी पड़ेगी, तब जाके उसे वो अपने मार्केट में अपने आप को स्टैंड करवा पाएगा और अपने कंप्यूटर से अपने आप को सेपरेट रख पाएगा। इट वॉज द मार्केट स्टैंडिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4 इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की डिमांड वो इंक्रीज करे, हाई डिमांड हाई प्रोडक्शन एंड मोर अवेलेबिलिटी। एक बिजनेसमैन अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट मोर अवेलेबल होगा, इजीली अवेलेबल होगा, डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल होगा, तो इससे उसका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए हैं,
फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्निंग, इनोवेशंस, मार्केट स्टैंडिंग एंड प्रोडक्टिविटी, दीज आर द फोर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव विच कवर्ड इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. लेट वी स्टार्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इट इज कैटेगरी वन. देन वी आर डिस्कसिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव टू, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इट रेफर टू दोज ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो एक सोसाइटी के बेटरमेंट से रिलेटेड हों उन्हें हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. व्हाई सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों डिसाइड किए जाने चाहिए? फॉर एग्जांपल सॉरी बिकॉज an organization want to remain in market for long term. कोई भी organization एक market में long term तक remain maintain करना चाहती है अपने आप को. And that can be possible, that can be possible only by supporting of society. कि सोसाइटी की सपोर्ट के बिना एक बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करना पॉसिबल नहीं है, तो एक बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ते हैं. देर आर सम एग्जांपल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नंबर एक, क्वालिटी गुड्स to customers at reasonable price. Number two, provide complete information about products and services. Number three, no manipulation or misleading. Number four, providing employment. Number five, using eco-friendly methods of production. नंबर सिक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल प्रोजेक्ट्स लाइक
हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, पार्क्स, लाइब्रेरीज एट्सेट्रा। तो अगर कंट्रीब्यूशन, अगर कोई सोशल प्रोजेक्ट है तो उसमें भी उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैटेगरी नंबर थर्ड। कैटेगरी नंबर थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल रीजनेबल सैलरी एंड वेजेस टू एम्प्लॉइज, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, हेल्दी रिलेशंस विद द एम्प्लॉइज। रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन सैलरीज एंड वेजेस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग चांसेज फॉर प्रमोशन, इन्वॉल्विंग इन डिसीजन मेकिंग, इक्वलिटी इन ऑल एम्प्लॉइज एटसेट्रा। सो दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए हो, बेटरमेंट फॉर ऑर्गेनाइज, बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड पर्सनल फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा इन नोट्स को अपने नोटबुक में भी कर लेना। थैंक यू।